हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज सीकर्स। गाइस, तो इस वीडियो में हम करने वाले दो गवर्नमेंट कॉलेज का कंपैरिजन। एक है गाइस गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती और एक है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर। इन दोनों कॉलेजेस के बीच में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, पैकेजेस कितने जाते हैं गाइस इन कॉलेज के, फी स्ट्रक्चर क्या है, कट ऑफ्स कंपैरिजन क्या होता है और कितने कट ऑफ्स जाते हैं अलग अलग ब्रांचेस के, ये सारी चीज़ें गाइस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहे गाइस ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो गाइस सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है इन दोनों गवर्नमेंट कॉलेजेस के बीच में। तो स्टार्टिंग में गाइस मैं आपको जो बेसिक डिटेल्स है दोनों कॉलेजेस की वो दे देता हूँ। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती है गाइस, इस कॉलेज का जो कॉलेज कोड है वो है 1002 और जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर है गाइस, इस कॉलेज का जो कॉलेज कोड है वो है 4025। कॉलेज कोड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है गाइस, अगर आपको कॉलेज कोड पता रहेगा तो आप इससे जो कट ऑफ्स वगैरह वो इजीली सर्च कर पाओगे, तो इसे नोट करके जरूर से रख लेना। जो अमरावती का कॉलेज है गाइस एक गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज जो कि काफ़ी बढ़िया बात है, और जो नागपुर का कॉलेज है गाइस ये बस गवर्नमेंट कॉलेज ही, ऑटोनॉमस नहीं है। ऑटोनॉमस नॉन ऑटोनॉमस में क्या डिफरेंस होता है इसके ऊपर मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे देखने को मिल रही होगी। दोनों कॉलेजेस के जो NRF रैंकिंग है गाइस वो अभी तक नहीं आई है और जो एड्रेस है गाइस वो आप देख सकते हो दोनों कॉलेजेस का। जो अमरावती कॉलेज है गाइस ये संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड है, और जो नागपुर का कॉलेज है गाइस ये राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड है। अब बात करते हैं इस ब्रांचेस और इनटेक के बारे में दोनों कॉलेजेस के। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती है गाइस, इस कॉलेज में हमें कुल मिला के 7 ब्रांचेस देखने को मिल जाती है, जिसमें पहली है गाइस सिविल इंजीनियरिंग। इसका जो स्टार्ट ईयर है गाइस वो आप देख सकते हो 1964 है, तो जो कॉलेज है गाइस वो काफ़ी पुराना कॉलेज है। सबका इनटेक आपको यहाँ पे 60 देखने को मिल रहा होगा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है यहाँ पे, इसका भी 60 इनटेक है। IT भी अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। बस एक ब्रांच है गाइस जो है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंजीनियरिंग, जिसका जो इनटेक है वो हमें यहाँ पे 30 का देखने को मिलता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी जो इनटेक है गाइस वो भी यहाँ पे 60 का है। ऑल ओवर गाइस इस कॉलेज का जो इनटेक है वो है 390 स्टूडेंट्स का। फिर नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे नागपुर का इनटेक और ब्रांचेस। तो नागपुर में गाइस कुल मिला के हमें 5 ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, जिसमें सिविल है गाइस, इसका भी इनटेक 60 है। स्टार्ट ईयर आप देख सकते हो 2060 है। इस कॉलेज की जो इस्टेब्लिशमेंट डेट है गाइस वो 2016 है, काफ़ी नया कॉलेज है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का इनटेक है 60, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का इनटेक है 60। यहाँ पे IT ब्रांच आपको देखने को नहीं मिल रही होगी, बस कंप्यूटर की एक ही ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। कुल मिला के गाइस इस कॉलेज का जो इनटेक है वो है 300 स्टूडेंट्स का। तो इनटेक कम होने की वजह से गाइस यहाँ पे जो कट ऑफ है वो भी काफ़ी हाई हमें देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो है प्लेसमेंट्स। दोनों कॉलेज के प्लेसमेंट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो आप देख सकते हो गाइस हाईएस्ट पैकेज, ये जो कंपैरिजन है ये 2019-20 के प्लेसमेंट्स के बेसिस पे हम कर रहे हैं। तो हाईएस्ट पैकेज गाइस अमरावती का गया था 17 LPA है, और जो नागपुर का कॉलेज है गाइस इसका गया था 44 LPA है। कौन सी कंपनी ने दिया था ये भी मैं आपको बताऊंगा। अमरावती का जो एवरेज पैकेज है गाइस वो हमें देखने को मिला था 4.3 LPA, और जो नागपुर का एवरेज पैकेज है गाइस वो हमें देखने को मिला था 4.1 LPA। एवरेज पैकेज में हमें बहुत ही मतलब आसपास देखने को मिल जाते हैं दोनों कॉलेजेस। यहाँ पे आपको 4 से लेके तो 7 लाख के पैकेजेस वाली काफ़ी सारी जो कंपनीज़ है वो देखने को मिल जाएगी दोनों कॉलेजेस में। नंबर ऑफ़ रिक्रूटर्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो, अमेजोन, बायजूस, TCS, कैपजेमिनी, इन्फोसिस, ऐसी सारी जो कंपनीज़ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब गाइस ये एक PDF है, इस PDF में आपको कौन से कंपनी ने कितने का आपको प्लेसमेंट में कितना पैकेज दिया था ये सारी जो डिटेल्स है वो आप देख सकते हो। जो लेफ्ट हैंड साइड में है गाइज ये अमरावती का है, और जो राइट हैंड साइड में ये है गाइज नागपुर का। तो अमरावती में आप देख सकते हो गाइज 17.5 लाख का जो पैकेज है वो दिया था अमेजोन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ने, और बाकी सारी कंपनीज भी आप देख सकते हो। और जो नागपुर का कॉलेज है गाइज यहाँ पे जो 44 लाख का पैकेज है गाइज ये दिया था सोनी कॉरपोरेशन ने, और एक स्टूडेंट को 44 लाख का जो पैकेज है वो मिला था। बाकी सारे जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, और कंपनीज भी देख सकते हो कि कौन सी यहाँ पे जो कंपनीज है वो आती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गाइज कट ऑफ कंपैरिजन। कट ऑफ कंपैरिजन गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप कट ऑफ कंपेयर करते हो तभी आपको समझेगा कि कौन से कॉलेज को हमें ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, और जब हम ऑप्शन फॉर्म भरेंगे तो कौन से कॉलेज को ऊपर डालना है और कौन से कॉलेज को नीचे डालना है, ये कट ऑफ से ही हमें ज़्यादातर पे समझ में आता है। ठीक है, तो कट ऑफ कंपैरिजन अब हम करके देखते हैं।
तो सिविल इंजीनियरिंग का अगर हम देखें तो गाइज जो अमरावती का कॉलेज है इसका जो कट ऑफ है ओपन का वो जाता है 89.12%, और जो नागपुर के कॉलेज है गाइज इसका जाता है 91.64। ये सारे जो कट ऑफ्स है वो ओपन के कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ्स आपको देखने को मिल जाएंगे, वो PDF में आपको सारे जो कट ऑफ्स है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। CAC में आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे 96.98%, और जो नागपुर का कॉलेज है गाइज यहाँ पे 95.99%, ठीक है। तो बहुत ही मतलब आसपास है कट ऑफ्स, काफ़ी मतलब मुश्किल हो सकती है जब आप कैटेगरी वाइज देखोगे तो बहुत ही आसपास देखने को मिल जाएंगे। तो प्रेफरेंस वाइज सही से कॉलेजेस डालना। IT नागपुर में है नहीं, अमरावती में IT है, तो IT का है यहाँ पे 95.26%। इलेक्ट्रिकल का हमें देखने को मिलता है अमरावती में 89.86 और नागपुर में गाइज 86.46, तो काफ़ी डिफरेंस है। ENT से में गाइज अमरावती का 93.67% और नागपुर में गाइज 89.60%, तो इसमें भी काफ़ी डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। इंस्ट्रूमेंटेशन है गाइज अमरावती में 84.32, नागपुर में जो ब्रांच है वो अवेलेबल नहीं है। मैकेनिकल का हम देख सकते हैं गाइज 91.64 अमरावती का, और जो नागपुर है गाइज इसका 86.01, तो काफ़ी डिफरेंस है। बस CS में थोड़ा कम डिफरेंस है, बाकी सारी ब्रांचेस में हमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं गाइस कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में, जैसे फ़ी स्ट्रक्चर, हॉस्टल्स, कैंपस फैसिलिटी और भी कुछ बातों के ऊपर। तो गाइस देखो, जो अमरावती का कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज तो है बट ऑटोनॉमस भी है, तो ऑटोनॉमस होने के कारण गाइस जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो हमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जो ओपन का फ़ी स्ट्रक्चर है गाइस अमरावती के कॉलेज का वो है 85,160 रुपीज़। इसमें हमको थोड़े लिटिल बिट चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जब आप कॉलेज विजिट करोगे तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो आपको मिल जाएगा। और जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नागपुर है गाइस इसका जो फ़ी स्ट्रक्चर वो बहुत ही कम है, ओपन कैटेगरी का है गाइस 27,351, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनका तो बहुत ही कम है। और अमरावती का भी रिजर्व कैटेगरी का कम है, मतलब अगर आप OBC वगैरह की बात करोगे तो इसका हाफ आप देख सकते हो। और सेम इन नागपुर अगर आप ये ओपन का 27 का, तो जो OBC वगैरह उनका भी हाफ है, SC ST का तो बहुत ही कम है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का यही फ़ायदा होता है, ऑटोनॉमस होने के बावजूद इतना ही फ़ी स्ट्रक्चर अगर आप प्राइवेट ऑटोनॉमस का देखोगे तो 1,60,000-1,70,000 आपको ऐसा फ़ी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट के फ़ी स्ट्रक्चर में काफ़ी फ़ायदे हो जाते हैं। डिटेल फ़ी स्ट्रक्चर आपको दोनों कॉलेज के जो वेबसाइट है गाइस वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दोनों कॉलेज में जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ है गाइस वो अवेलेबल है, दोनों कॉलेज में आपको गर्ल्स एज वेल एज़ बॉयज़ हॉस्टल देखने को मिल जाएगा। फ़ी स्ट्रक्चर गाइस सही से अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला है। अगर आपको फ़ी स्ट्रक्चर देखना होगा तो आप वेबसाइट पे तो नहीं था, अगर मिल रहा होगा तो देख लेना, या फिर आप डायरेक्ट जो कॉलेज है गाइस वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लेना, आपको जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो पता चल जाएगा। क्योंकि हॉस्टल फ़ीस में हमें काफ़ी जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है, तो एक बार कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लेना, ठीक है। फैकल्टी की अगर बात करें गाइस तो दोनों कॉलेज में ठीक फैसिलिटी है। जो अमरावती का कॉलेज है गाइस वो थोड़ा बहुत मतलब बहुत पूरा नया, और जो नागपुर का है वो थोड़ा नया कॉलेज है, तो फैकल्टी भी अमरावती में थोड़ी अच्छी आपको मिल सकती है, ठीक है। कैंपस की अगर बात करें तो गाइस काफ़ी डिफरेंस है दोनों कॉलेज में। जो अमरावती का कैंपस है गाइस वो काफ़ी बड़ा है, और जो नागपुर का कैंपस है वो इतना बड़ा नहीं है। नागपुर का कैंपस अगर आपको देखना है तो मैंने इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बनाया कैंपस टूर का, वो देख सकते हो, जिसमें आपको पूरा कॉलेज कैसा है वो देखने को मिल जाएगा। बट दोनों कॉलेजेस में आपको सारी जो फैसिलिटीज़ है कैंपस में वो मिल जाएगी, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको PG रूम्स भी लेना है तो नागपुर में आपको ईजिली मिल जाएगी, मुझे पता है। अमरावती में भी आपको मिल जाएगा PG रूम्स वगैरह, अगर आपको हॉस्टल में नहीं रहना है, PG रूम लेके रहना है, या फिर कैंपस के बाहर जिसे PG रूम्स हम बोलते हैं, तो आप रह सकते हो, उसे ज़्यादा कोई टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस कुछ एक्स्ट्रा टिप्स के बारे में कि कौन सा कॉलेज हमें लेना चाहिए। तो देखो गाइस, सबसे पहला प्रेफरेंस तो यही देना कि अगर आप सपोज नागपुर से हो या फिर आप अमरावती से हो, ठीक है, तो अगर आपको नागपुर में रह के नागपुर का कॉलेज मिल रहा होगा और वो अगर बढ़िया कॉलेज है तो आप नागपुर का ही लीजिए, या फिर अगर आप अमरावती के हो और अमरावती में आपको एक बहुत बढ़िया कॉलेज मिल रहा है तो आप अमरावती में ही लो। क्योंकि इससे क्या होता है, अगर हम होम डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा जो खर्चे हैं जैसे हॉस्टल फ़ीस और भी जो एक्स्ट्रा फ़ीस है वो नहीं लगते, जिससे हमारे काफ़ी जो पैसे वो बच जाते हैं और हमें ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल भी फॉलो नहीं करना पड़ता है। घर में रहते हैं तो खाना अच्छा मिलता है, हॉस्टल में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, ठीक है। एज ए हॉस्टल स्टूडेंट मुझे पता है कि क्या क्या हमें फेस करना पड़ता है, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है कॉलेज तो ले लीजिए। अगर आपके होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज ही नहीं है बढ़िया, या फिर जो कॉलेज बढ़िया है वो आपको नहीं मिल रहा है, तो फिर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस के बारे में सोच सकते हो, वो भी बेटर रहेगा। बट होम डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है वो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। दोनों कॉलेजेस गाइस बढ़िया है। जो अमरावती का है वो ऑटोनॉमस है तो थोड़ी एज मिल जाती है, और जो नागपुर का कॉलेज है वो थोड़ा नया है, जैसे ये और मैच्योर हो जाएगा गाइस, और थोड़ा पुराना हो जाएगा और इसमें प्लेसमेंट्स आएंगे 2-3 सालों में, तो और बढ़िया जो एनालिसिस है वो हम देख सकेंगे दोनों कॉलेजेस के बीच में।
तो इस वीडियो में इतने गाइस, होप्स आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन होता है तो इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मुझे मैसेज कर देना, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा गाइस कि आपकी हेल्प कर दूँ। और जब कैप राउंड की प्रोसेस शुरू होगी गाइस, तो स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस के कैसे हमें करना पड़ता है उसका भी वीडियो मैं डाल दूंगा, उसके थ्रू भी गाइस आपकी काफ़ी जो हेल्प है वो हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू अपडेट्स मिलते रहे। मिलते गाइस ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में।